YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुल्लू की बात करेंगे। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से रोहतांग जा रही इलेक्ट्रिक बस में टिकट की कालाबाजारी के मामले में परिवहन मंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। परिवहन मंत्री ने कुल्लू में कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से टिकट की कालाबाजारी करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से इसमें पुलिस का सहयोग करने की अपील की। परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर कोई दलाल उनसे टिकट के नाम पर ज्यादा पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत पुलिस को करें, जिसके बाद दलाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इलेक्ट्रिक बस में कौन धांधली कर रहा, कोई लिखित में शिकायत करे। और मुझे लगता है कि जो कही बातें हैं तथ्यपूर्ण कोई बात है कि फलाम व्यक्ति ने ये किया और ये लिया, तो तब तो बात है, लेकिन अंदाज़ा करके करना। और निश्चित रूप से अगर कोई लगता है कोई इस प्रकार का कोई प्रूफ के साथ आए तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए।